सागर जिले के खुरई सहरी थाना क्षेत्र के लक्ष्मी गार्डन में रोड पर युवक से अज्ञात लोगों ने की मारपीट। खुरई सहरी थाना पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार कुशाभाव ठाकरे वार्ड निवासी संजू 30 जनवरी और 31 जनवरी की दरमियानी रात्रि 12:30 बजे अपने दोस्त की शादी में लक्ष्मी गार्डन गया था, जहां पर लौटते समय रोड पर अज्ञात लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। जबकि शिकायतकर्ता ने बताया कि संजू युवक नाम का व्यक्ति को प्रमोद आशीर्वाद मिला था और पुरानी बुराई पर से माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा, जो सुनने में बहुत बुरी लगी और गाली देने से मना करने पर प्रमोद आशीर्वाद ने लोहे के पाइप से मारपीट की और सिर में पाइप लगने से खून निकलने लगा और पीठ पर दोनों जांघों में लगने से खून निकलने लगा और दोनों जांघों में लगने से चोट आई है, जिससे मुंह में लात लगने से होंठ के खून निकलने लगा और गर्दन एवं अन्य जगह भी चोटें आई हैं। घटना के समय छोटू और अरबाज खान दीपक यादव ने घटना देखी एवं सुनी, जबकि संजू नामक व्यक्ति से मारपीट के बाद भी मारपीट करने वाले लोगों ने कहा कि यदि आपके थाने में रिपोर्ट की तो आपको जान से मार देंगे। साथ ही इसके बाद खुरई थाना पुलिस मामला पंजीबित कर विवेचना में लिया गया है। साथी वार्ड निवासी के द्वारा कल रात 12:30 बजे मारपीट की गई थी, क्या उस पर घटनाक्रम पर कार्रवाई की? ये खुरई थाना क्षेत्र में एक लड़ाई झगड़े का घटनाक्रम सामने आया है। थाना प्रभारी ने निर्देशित किया है कि इस घटनाक्रम में जो भी तथ्य हैं उनकी विवेचना की जाए और जिसकी भी गलती है अपराधी मामले इसमें दर्ज हुए हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उस घटना जो कि उस दिन का था शादी की कार्यक्रम में गए थे हम लोग, और वो लोग आए, हम चले गए भीतर खाना खाने के लिए, इसको वो लोग पकड़ के और ले गए और इसको मारा और खेत में डाल के चले गए। 8-10 जन थे, 10-11 जन मैं अकेले बचे था और ले गए खेत से, वहाँ पर वहीं डाला छोड़ के और भग गए। हम लोग को पता चल गया हम लोग खाने गए। आखिर ऐसा क्या विवाद था जिसकी वजह से यह घटना? पता नहीं क्या विवाद था, विवाद की वजह से कुछ नहीं था, पहले का एकदम क्या है और खुलेगा उठा कर। घटना के बाद पुलिस थाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उन्होंने क्या कहा? रिपोर्ट दर्ज कराई, अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। क्या कहा था उन्होंने? भी उन्होंने बोला देखेंगे देखेंगे, लेकिन अभी नहीं हुई। हाँ, अभी कुछ कार्रवाई नहीं। यहाँ पे इलाज देखा गया, किस तरह का भी इलाज? घर पर हाँ थोड़ा थोड़ा है इलाज, आराम उसके लिए, बाकी और देखेंगे जो आगे। आप लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं तो अच्छी से अच्छी कार्रवाई। क्या है वो बार बार सबको परेशान करते हैं, जो दुर्बल आदमी मतलब वो ऐसे आदमी है कि आज हमें मार दे कल किसी और को, परसों किसी और को, उनका यही एक दुर्घटना। एक साथ एक बार मारे, एक दो साथ वाले को मारा था उन्होंने, एक बार इसने बलेरो गाड़ी मारी थी, रवि विश्वकर्मा को मारा। और उनका कबाड़ी का काम चलता, चोरी की गाड़ियाँ भी करती वहाँ सब, मतलब टोटली उनका दो नंबर। जिनने अभी तक आप लोगों के साथ ये मारपीट की था, और भूरी अहरवार और यशवंत और अन्नू कहाँ के निवासी हैं? गांधी वार्ड। गांधी वार्ड बड़ा।